पिछली वीडियो में मैंने आपको सबसे पहले दानिश मूर के अपकमिंग ड्रामे की न्यूज दी थी। मेरे पास कास्ट को लेकर, दानिश के कैरेक्टर नाम को लेकर, इस ड्रामे में दानिश मूर के ऑपोजिट कौन होगी, ये सब मुकम्मल अपडेट मेरे पास आ चुकी है जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो जियो टीवी पर एक महंगे बजट का नया ड्रामा आने जा रहा है जिसका नाम है मन मस्त मलंग। इसकी स्टार कास्ट में हमें दानिश मूर कबीर के कैरेक्टर में नजर आएंगे और जो दानिश मूर के फ्रेंड के कैरेक्टर में होंगे उनका नाम है रमेश सदीकी, जो कि बिट्टू के कैरेक्टर में होंगे। ये इससे पहले जूम और इश्कुआ में भी आ चुके हैं। इसके अलावा यासर आलम भी दानिश के दोस्त के कैरेक्टर में होंगे और एहसान अमाम भी हमें नेगेटिव कैरेक्टर में देखने को मिलेंगे। इसे नूरा मखदूम साहबा ने लिखा है और इसे अली फजान ने डायरेक्ट किया है और ये सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रहा है और इसकी शूटिंग भी अभी कराची में हो रही है। दुरैफिया सलीम इस ड्रामे में नहीं है। जिन दो एक्टर के नाम सामने आए हैं वो है सैर आशमी और सैर खान। इस ड्रामे की शूटिंग 18 सितंबर को स्टार्ट हुई है और सैर आशमी ने भी 18 सितंबर से एक ड्रामे की शूट को स्टार्ट किया है। तो ज्यादा चांसेस है कि इस ड्रामे में सैर आशमी या फिर सैर खान हो सकती हैं। दुरैफिया सलीम नहीं है इस ड्रामे में, वो कोई और ड्रामा कर रही हैं। वो भी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। बाकी ये ड्रामा दिसंबर तक हमें जियो टीवी पर देखने को मिल जाएगा। तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं दानिश मूर को कबीर के कैरेक्टर में देखने के लिए? आप दानिश के साथ किस एक्टर को देखना चाहते हैं? आप इस ड्रामे का कितना वेट कर रहे हैं? आपका जो भी फीडबैक हो आप मुझे अपने फीडबैक से कमेंट सेक्शन में लाजमीगा कीजिएगा। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।